सब्सक्राइब करिए आउट ऑफ बॉक्स को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में घर बैठे कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना अपॉइंटमेंट बुक किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कर लेंगे। अगर आपने अभी तक आउट ऑफ बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने एक बेल का आइकन आ जाएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल का नाम आता है लोगों के मन में तुरंत ये विचार आने लगता है, आज मैं इस वीडियो में सरकारी हॉस्पिटल एम्स दिल्ली में बुक करने के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही एम्स का नाम आता है लोगों के माइंड में एक बात तुरंत आ जाती है कि यार बहुत लंबी लाइन होगी, कैसे दिखाया जाएगा। ऐसा लोगों को कहते मैंने देखा है, सुना है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है। दिखाना तो चाहते हैं वो एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे अच्छा और सबसे सस्ता होता है, बट लाइन के चक्कर के कारण लगभग 50-60% बंदे दिखाने से परहेज करते हैं कि वहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन होगी। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से बुक करके अपने सबसे अच्छे डॉक्टर को, अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट का नाम है ors.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे जब आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा, बुक अपॉइंटमेंट नाउ, सेकेंड है लैब रिपोर्ट, थर्ड है ब्लड अवेलेबिलिटी। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो दो नीचे के लैब रिपोर्ट और ब्लड अवेलेबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, आप लोगों को ये भी नॉलेज रहनी चाहिए। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपने पहले दिखाया है और आपकी रिपोर्ट वहाँ कलेक्ट करने के लिए जाना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं लैब रिपोर्ट, यहाँ से भी आप अपनी रिपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। ब्लड अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे जितने भी भारत में सरकारी हॉस्पिटल हैं वो ब्लड अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड किस सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। चलिए हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं और हम क्लिक करते हैं बुक अपॉइंटमेंट नाउ, जिसके बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो पहले हमने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो गया जहां पे आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए कह रहा है और कैप्चा कोड है, आप इसको डाल करके सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमें एक ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को हमें यहां पे डालना होगा। ओटीपी आपके सामने जनरेट हो गया है, आप यहां पे डाल दीजिए, मैं यहां पे डाल देता हूं। और यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आई हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सेकेंड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी
दिखा चुके हैं एम्स में, तो आप थर्ड पे क्लिक करेंगे और आपको कोई भी कुछ कैंसिल करना है अपना अपॉइंटमेंट वगैरह, तो आप फोर्थ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम चलते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक करते ही हम बताएंगे कैसे आपको करना होगा। उससे पहले हम सेकंड वाले पे कर दें कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उस सेकंड नंबर पे क्लिक करने के बाद घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे जिसमें आपकी डिटेल रहेगी, आपका एड्रेस रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी, आपके घर का एड्रेस रहेगा। आप प्रोसीड करने के बाद सिंपल प्रोसीड करने के बाद सेम चीज़ें वो आ जाएंगी जो हम आई है आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद, जो हम अभी प्रोसेस में दिखाने जा रहे हैं, तो उससे भी आप सिंपली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए हम आई हैव ए आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप इसको करेंगे। चलिए चलते हैं। मैंने अच्छा यहाँ पे आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैंने पहले ही कहा है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है इंडिया के हर स्टेट की, जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते हैं इजिली अपॉइंटमेंट लेकर के। जैसे बिहार है, बिहार पे आप क्लिक कर सकते हैं, चंडीगढ़, जहाँ आपको नियरेस्ट दिखाना है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ एम्स हॉस्पिटल पे। और एम्स हॉस्पिटल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में दिखाना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप पहले किसी डॉक्टर को दिखाए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह का, आपके पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको जानते हुए आप यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगर आप सर्जन को दिखाना, सर्जन को दिखाएंगे। आप अगर किसी और को दिखाना चाहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं, तो न्यूरो सर्जरी को दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे हम जो है फॉर एग्जाम्पल एक मैं डेंटल को मैंने सेलेक्ट किया है, और डेंटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे होंगे, तीनों ऑप्शन आ गया, दिल्ली एम्स और डेंटल। और दिल्ली में और भी हॉस्पिटल हैं, मैंने एम्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए। हम प्रोसीज कर देते हैं। प्रोसीज करने के बाद अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 25 को हम जा करके दिखा सकते हैं, 26 को दिखा सकते हैं, ये अवेलेबल है। कैसे पता चला? ऊपर आप देख रहे हैं प्रीवियस डे अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, हॉलीडे, तो ये जो ग्रीन कलर का है अवेलेबल, तो यहाँ पे आप 25 या 26 है, मैंने 27 को ले लिया। और 27 सेलेक्ट करते ही देख लीजिएगा ध्यान से, सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट डेट 27/09/2017। आप यहां से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहां पे आपकी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने आपने पहले सेलेक्ट किया था कि हमारे पास आधार कार्ड है, फर्स्ट ऑप्शन जो था। अब यहां पे जब आप आधार कार्ड डालेंगे, और आधार कार्ड डालने के बाद जब कैप्चा आप डालेंगे, तो यहाँ पे आपको एक और ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच होगा। चलिए हम सबमिट पे बटन करते हैं, चेकबॉक्स पे नीचे क्लिक कर दीजिए। सबमिट में मैंने क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन आएगा, यही आप यहाँ पे एक ओटीपी का मैं वेट कर रहा हूँ। ओटीपी आपके सामने आ चुका है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 388491। और यहाँ पे मैं फिर से कैरेक्टर टाइप द कैरेक्टर ये लिखा हुआ है 5148। आप यहाँ पे प्रोसीड कर दिया मैंने। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट यही ऑप्शन आएगा कि आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप कंफर्म करिए। या आपके माइंड में अभी आ गया कि आप रिशेड्यूल करना चाहते हैं, आप 27 को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां से रिसीड्यूल भी कर सकते हैं। यहां आप लास्ट में देख रहे होंगे रिसीड्यूल, तो यहां पे मुझे रिसीड्यूल करना नहीं है। तो यहां पे डू यू वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट, तो यहां पे जो है मैं रिसीड्यूल नहीं करूंगा और यहां पे अपॉइंटमेंट अपना बुक करूंगा।
दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक अपॉइंटमेंट एम्स में लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे बुक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही लास्ट यहाँ पे रिशेड्यूल दिखा रहा है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा। यही लास्ट स्टेप है, आप क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। आप उस मैसेज को ले जा करके वहाँ पे एम्स के काउंटर पे वहाँ पे दिखाएंगे, तो आपको एक कार्ड बन जाएगा। उस कार्ड को UHID बोलते हैं, वो UHID एक नंबर आपको दे देंगे। यहाँ से लगभग 8:30 बजे का टाइम वहाँ पहुँचने का आप लोगों को देते हैं एम्स में, जहाँ आप इजीली पहुँच करके जो SMS है आप उनको दिखाएंगे, आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनने के बाद आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग प्रॉब्लम में रहते हैं। मैंने बताया है कि पेशेंट हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, वो एम्स में नहीं दिखा पाते हैं। तो आप लोग जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोग इस वीडियो को देखेंगे और अवेयर हो सकेंगे, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की इस आसान सा प्रोसेस उनके समझ में आएगा, और इजीली वो अपॉइंटमेंट बुक करके अपने मरीज को एम्स में दिखा सकेंगे। तो मेरी फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।